In this video, we will continue our last topic, that is consumer equilibrium. Students, last video में हमने बात की थी कि consumer equilibrium की position में कब होता है और हम determine किस तरह से करते हैं. Determine करने के लिए हमने दो ways देखे थे, एक one commodity case देखा था और एक हमारा था second two commodities और several commodities case. लास्ट वीडियो में हम वन कमोडिटी केस की जब कंज्यूमर एक कमोडिटी परचेज कर रहा है हमने उसके बारे में डिस्कस किया. हमने वहां देखा था कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब था, व्हेन MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल था हमारे PX. देखो वहां पर हम इसको एक और मेथड से भी लिख सकते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने वन कमोडिटी केस बहुत अच्छे से समझाया है और वहीं पर हम देखेंगे कि हमने वहां पर ये भी प्रूव किया था कि MUX अपॉन में PX इसके इक्वल ना हो जाए MUN. जो कंज्यूमर है वो तब तक परचेज करता रहेगा जब तक कि MUX अपॉन में PX इसके इक्वल ना हो जाए MUN. ठीक है, तो ये था हमारा वन कमोडिटी केस. अब टू कमोडिटी केस में क्या है? टू कमोडिटी केस, जैसे कि पता ही लग रहा है कि हम यहाँ पे कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं, दो कमोडिटीज की कर रहे हैं, या इसी को हम कह रहे हैं सेवरल या मोर कमोडिटी केस भी, कि दो से ज्यादा का भी हो सकता है. यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है दो कमोडिटीज को लेकर. इसी के साथ साथ अगर थ्री कमोडिटीज आ जाती है, सेवरल कमोडिटीज, तो सेम ही रहता है. इसी को हम डैश डैश करके आगे थर्ड फोर्थ जितनी भी हमने कमोडिटीज ले रही कंजप्शन कर रहे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, अब देखो पहला फर्स्ट कमोडिटी केस में उसने परचेज की एक आइटम, सपोज एप्पल्स परचेज. अब हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि जितनी ज्यादा हम मोर एंड मोर यूनिट्स कंजप्शन करते जाते हैं, जितनी ज्यादा हम यूनिट्स का कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है, डिमिनिश होती है. तो वो जब हम ज्यादा से ज्यादा एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिमिनिश. अब जब वो डिमिनिश हो रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब वो किसी और कमोडिटी की तरफ जाएगा परचेज करने के लिए, कि अब मैं ऑरेंजेस खरीदता हूँ. अब ऑरेंजेस खरीदेगा तो उससे भी जब देखो अगर वो ऑरेंजेस खरीदता है तो अगर उस ऑरेंजेस की मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है तो कंज्यूमर किसकी तरफ चला जाएगा, ऑरेंजेस की तरफ, एप्पल्स का कंजप्शन कम कर देगा. इसका मतलब कंज्यूमर एप्पल्स जो है वो तब तक खरीदता रहेगा, अपने जो लास्ट यूनिट है मनी की वो एप्पल्स पर तब तक लगाता रहेगा जब तक कि उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल ना हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, कि वो तब तक एप्पल्स खरीदेगा कि अगर उसको ये दिख रहा है कि एप्पल से भी मुझे 40 की यूटिलिटी मिल रही है, ऑरेंजेस से भी 40 की, कि मैं 3 एप्पल्स कंज्यूम कर चुका हूँ, 3 एप्पल्स तक मुझे अब थर्ड फोर्थ एप्पल खरीदने जाता हूँ तो मुझे 40 की यूटिलिटी मिलती है, और वही अगर एक ऑरेंज खरीदता हूँ तो वो भी 40 की यूटिलिटी देता है, तो वो कितने कंजप्शन करेगा, कि एप्पल्स की भी 4 करेगा और एक यूनिट किसकी खरीद लेगा, ऑरेंज की. कि वो तब तक अपने पैसे लगाएगा जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस के इक्वल हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स दैट अ कंज्यूमर्स मनी इनकम शुड बी स्पेंड सो दैट द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड, जो लास्ट रुपी वो स्पेंड कर रहा है दोनों गुड्स पे, परचेज यील्ड द सेम अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. कि दोनों ही कब तक वो परचेज करता रहेगा, जब तक कि दोनों की यूटिलिटी सेम. ठीक है, यानी कि MUX हमने एप्पल और ऑरेंजेस का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे मैंने एक्स में वाई कर लिया कि जब तक जब MUX इक्वल ना हो जाए MUY के, तब हम कहेंगे कि जब वो ये दोनों इक्वल है कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन. यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, टेबल लिया, जिसकी हेल्प से हम इसे और ज्यादा अच्छे से दिखाएंगे. मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल टेबल लिया, आपकी बुक्स में छोटा भी है, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो. ये मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए यूनिट्स हमने लिए 10 यूनिट्स लिए, MUX 8872 ये हमें मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, किससे, X से, और ये MUY क्या है, जो हमें Y
अगर कंजप्शन कर रहे हैं वाई की, तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी को शो कर। अब देखो इन दोनों केस में कहां पर कौन सा ऐसा केस है, फाइंड आउट कीजिए कि जहां पर हमारा एमयू एक्स एमयू वाई की हो। फर्स्ट यूटिलिटी एमयू एक्स से कितनी मिली, 88। क्या 88 है यहाँ पे कहीं? नहीं। 72, क्या 72 है यहाँ? नहीं है। 64 नहीं है। 48 नहीं है। 40 अब आ गया यहाँ पे 40, यानी कि अगर वो एप्पल्स की 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स परचेज करता है तब भी उसको 40 की यूटिलिटी मिलती है, और अगर वो एक्स की अगर 6 यूनिट्स परचेज करता है तब भी उसको 40 की क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, और अगर वो वाई की 1 यूनिट परचेज करता है तब उसको कितने की मिलती है, 40। अब हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते कि लेट अ कंज्यूमर हैज रुपीज 88 रुपीज है उसके पास, ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि जो प्राइस ऑफ पी एक्स है और पी वाई जो है दोनों इक्वल है, दोनों के प्राइस 8 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज है, ठीक है। टोटल पैसे कितने हैं कंज्यूमर के पास, 88 रुपीज, और प्राइसेस ऑफ एक्स कितना है और वाई कितना है, 8 रुपीज। अब अगर वो 6 यूनिट्स किसकी परचेज करता है, एक्स की, एक्स की कितनी यूनिट्स परचेज की उसने, 6, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 40, और 1 यूनिट किसकी परचेज कर रहा है, एमयू वाई की, ठीक है। यानी कि कितनी उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, दोनों इक्वल है, बिल्कुल है। इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो यहाँ तक परचेज करेगा, हम कहते हैं बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पर अब एक चीज देखो, यहाँ पर कितनी यूनिट्स परचेज की उसने, 6 यूनिट्स किसकी परचेज की, एक्स की, यानी कि कितने रुपीज स्पेंड किए उसने, 6 × 8 = 48 रुपीज उसने कितने किस पर स्पेंड कर दिए, 6 यूनिट्स परचेज करने पर, x की 6 यूनिट्स परचेज करने पर, ठीक है। और वहीं अगर वो y की करता है, y की कितनी यूनिट्स परचेज कर रहा है, 1 × 8, यानी कितने रुपीज उसने लगाया y के ऊपर, 8। टोटल उसने कितने रुपीज स्पेंड कर दिए, यानी कि 56 रुपीज, लेकिन अभी भी उसके पास कितने थे पैसे, 88 हम मान के चल रहे हैं, स्पेंड कितने कर रहा है, 56, पैसे अभी पड़े हैं उसकी पॉकेट में, तो वो कम क्यों लेगा, वो क्या करेगा, और ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करेगा कि मुझे और ज्यादा चाहिए, अभी तो मेरे पास पैसे पड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजिशन पर नहीं। ये था हमारा केस 1। अब आगे चलते हैं और परचेज करते देखते हैं, एक्स की परचेज की अब 32 भी नहीं है यहाँ पर, 24, चलो 24 है, उससे पहले एक मिनट इसको थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उससे पहले क्या 16, अब देखो यहाँ भी है 16, यहाँ पे भी है 16, क्या केस 2 या 2 हमने छोड़ दिया, केस 3 लेते हैं हम पहले, डिस्कस ये था केस 1। 16 दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर हम x की कितनी परचेज कर रहे हैं, यूनिट्स 9, और y की यूनिट्स कितनी परचेज कर रहे हैं हम, 5। देखो 9 यूनिट्स हमने की x की, 9 यूनिट्स की कितने पैसे हो गए, एक है यूनिट 8 रुपीज की, तो 9 कितने की हो गई, 72। अब y की कितने हैं, y के हैं हमारे 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5, y 5 यूनिट्स, रुपीज कितने हैं, 8, तो टोटल हमने कितने, 8 × 5 = 40, कितने रुपीज स्पेंड कर दिए हैं इसके ऊपर, 112। क्या हमारे पास 112 रुपए हैं स्पेंड करने के लिए, बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो 88 रुपीज ही थे, ठीक है। अब इसका मतलब कि कंज्यूमर इस केस में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है। अब आते हैं हम केस टू। अब देखो केस टू जो हमने ये छोड़ा, यहाँ पर मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 24, और यहाँ पर भी एक केस में हमें मिल रही है 24, कि अगर मैं एक्स की यूनिट्स कितनी परचेज करूँ, 8 यूनिट्स परचेज करती हूँ, तो मुझे मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिलती है, 24, लेकिन अगर मैं 3 यूनिट्स वाई की भी परचेज करती हूँ तब भी मेरे को मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिलती है, 24। अब देखो 8 यूनिट्स है किसके, एक्स के, एक्स के हमारे पास 8 यूनिट्स, कितने रुपए स्पेंड हो गए, 8 × 8 = 64,
यानी 64 रुपीज हमने किस पे स्पेंड कर दिए, एक्स पर, कमोडिटी एक्स परचेज कर दिए। 3 यूनिट्स हमने परचेज की वाई की, 3 × 8 कितना हो गया 24। टोटल हमने कितने पैसे स्पेंड कर दिए 88। बिल्कुल, कि जितने हमारे पास पैसे थे 88, तो 88 के 88 हमने स्पेंड कर दिए किस पर, अपने दोनों गुड्स की। इसका मतलब कि वो जो कंज्यूमर है वो कब तक अपने पैसे कितने यूनिट्स परचेज करेगा, वो 8 यूनिट्स तो परचेज करेगा एक्स की और 3 यूनिट्स परचेज करेगा वाई की। क्यों? क्योंकि इसी लेवल पर इन दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, सेम। यहाँ पर एमयू एक्स क्या है, एमयू वाई के इक्वल वाई। क्लियर? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो, हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये किसमें कैलकुलेट किया, मनी की टर्म्स में कैलकुलेट किया। तो जैसे हमने फर्स्ट वन कमोडिटी केस में इसी को हमने क्या लिख दिया था, एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एमयू एम। इसमें भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन में पी वाई, py इज इक्वल टू एमयू एम। यानी कि जो वर्थ है मनी की, वर्थ मनी वर्थ रुपीज है, मतलब वर्थ ऑफ रुपी है, उसके इक्वल होगी जब उसकी यूटिलिटी x की भी और y की भी, तब हम कहेंगे कि कंज्यूमर कहाँ है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है। ठीक है, अब यही हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुड्स ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स x, इस साइड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंजप्शन ऑफ गुड्स y। ये आपका वाई का कर्व है, ये एक्स का, तो ये जहां पर ये मीट हो जाएगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि जहां पर हमारा क्या है, एमयू एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एमयू वाई। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टू कमोडिटी केस। कंज्यूमर जो है वो तब तक स्पेंड करता रहेगा अपना लास्ट की, जब तक उसकी जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी है उससे मिलने वाली यूटिलिटी, एक कमोडिटी जो है उससे मिलने वाली यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी के इक्वल ना हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट हियर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो वर्थफुल लगती है, अगर लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो बेटा जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या जिनको अवेलेबिलिटी नहीं है किस तरह से कैसे करना है इकोनॉमिक्स, तो उनको भी हेल्प हो सके। ओके, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो ऑल्सो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।